हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और आज मैं अपने ऑफिस के नियर सेक्टर 46 के पास हूँ। ऑफिस के टाइम में अक्सर मैं लंच करने के बाद ये यहाँ पर एक छोटू राम पार्क है, इसमें आता हूँ टहलने के लिए, धूप सेकने के लिए भी और लंच करने के बाद घूमने के लिए भी। तो आज मैं इधर आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना के आपको दिखाता हूँ कैसा ये पार्क है। यहाँ से अंदर को निकलते हैं। बहुत सुंदर हरा भरा पार्क बना रखा है। बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है फर्स्ट क्लास, और इधर बेंच भी लगाए गए हैं पार्क में। बीच में भी यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था बनाई गई है, और मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये छोटू राम पार्क है सेक्टर 46 में। ये बरसात में बचने के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। और धूप भी सेक सकते हैं बीच में बैठ के। बड़ा घूमने आए हो? घूमने आए हो पार्क में? डेली आते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। क्या नाम है आपका? लक्ष। लक्ष से मजा आता घूमने में? और साथ में कौन भाई आया है? फ्रेंड्स है। ओके। और इधर ये जो गेमिंग के लगे हुए हैं झूले वूले, इसे एंजॉय करते हो? हैं? ठीक है, घूमिए आप। हैं, थैंक यू। और इधर बच्चों की झूलने की व्यवस्था की गई है, ये देखिए छोटे बच्चों के लिए लगाया गया है इधर यहाँ पे। और इधर झूला लगाया गया है और ओपन जिम सेटअप है। यहाँ पर ये ओपन जिम की व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छा मेंटेन किया है यहाँ पर इसे पार्क को। बच्चे झूल रहे हैं, तो लोग यहाँ पे आके पूरा राउंड काटते हैं, जिससे पूरा एक राउंड से उनका स्टेमिना ही बना रहता है। और बहुत अच्छा पार्क यहाँ पे मेंटेन किया गया है। बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हैं। मैंने पार्क के बारे में बताया आपको, पार्क दिखाया, बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है और यहाँ के लोगों ने काफ़ी साफ़ सुथरा भी रखा हुआ है। तो ऐसे ही सभी पार्कों को मेंटेन भी अच्छा रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। और तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, लंच में आया हुआ हूँ, घूमता हूँ मैं भी, थोड़ा टहलता हूँ। दिशांक भी आया हुआ है साथ मेरे साथ, उधर गौरव भाई भी हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़। इसके साथ आपका अपना दीपू भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।